बेचारा आदमी। सुफू ने एक बड़ी प्याज उठाई और उसमें ताकत से उसके नाक में ठूस दी। वहां खड़े दर्शकों ने देखा कि कितना अजीब था। सुफू खुश भी नहीं हुआ। उसने एक मूली उठाई और आदमी के मुंह में डाल दी। फिर जुड़वा घोड़ों ने एक बछड़े को बाहर निकाला। बछड़े ने घास की तरफ देखा। लगातार नीचे झुककर आदमी के चेहरे को खाने के बाद उन्होंने घोड़े को आदमी के चारों ओर घुमा दिया। मंच के नीचे के दर्शक एकाग्रता से देख रहे थे। मंच पर घोड़ा दौड़ते दौड़ते अचानक उसे कंधे से टकराया और वे तेजी से गोल गोल घूमने लगे। खूनी मांस का टुकड़ा इधर उधर घूम रहा था। जुड़वा होने के बाद भी रुका नहीं बल्कि आदमी के चारों ओर घूमता रहा। अचानक से सीधे आदमी के सिर पर हमला किया। दर्शक जोर जोर से चिल्लाने और उछलने लगे। अगले एपिसोड में वो यह दरवाजा खोलते ही भागे, लेकिन तुरंत ही उनका सामना दोस्तों से हुआ। सैनिक ने देखा कि छोटे गुंडों में से एक सैनिक के छूटा हुआ पकड़ लिया। बाकी लोग जल्दी से भाग गए और एक अन्य सैनिक ने उस छोटे गुंडे पर हमला किया। सैनिक ने छोटे गुंडे को कुर्सी पर बांध दिया और उसे विशाल कमरे में धकेल दिया। सूफू ने स्प्रे गन निकाली और छोटे हैंडसम के मुंह में डाल दी। बड़ी मात्रा में ग्रीन टी छोटे हैंडसम के अंदर डाल दी। पेट तेजी से फूल गया और एक बहुत बड़ी आवाज आई, ठीक है। कुछ लोग ठिकाने पर वापस आए, गाड़ी चलाकर भूतिया जगह से भाग निकले। रेस्टोरेंट मालिक का बेटा बंदूक पकड़े बाहर निकला। उसने उन पर फायर किया। जैसे ही वह रीलोड करने लगा, टीम लीडर ने फायर कर दिया। तेल देकर दरवाजा खोला और बड़ा बेटा कैफे के मालिक का मटन से भर गया। टीम लीडर ने कार से उतरा और स्प्रेयर उठाया। गाड़ी में छाने वाला था, तभी एक और बदमाश प्रकट हुआ और नेता ने उसे लात मारी। चूंकि प्रमुख ने योजना के अनुसार अपराधियों का पीछा किया, रेस्टोरेंट मालिक को खबर मिली और वो अपने आदमियों के साथ चल दिया। वे भी उनके गाड़ी के पीछे लग गए, लेकिन उनका रुकने का कोई इरादा नहीं था। वे सीधा उनकी तरफ बढ़ने लगे। एक झटका, बच न सका। वहीं खून के छींटे, कार भी रुक गई। दरवाजा खोलकर देखा, अंदर कोई नहीं। अचानक चश्मे में कोई दिखा जो चुपचाप गांव लौट आया। फोन खोजकर पुलिस को कॉल करने वाला था। बहुत ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिला। यहाँ बहुत समय से कोई छुपी हुई काल या कुछ नहीं मिली। टीम लीडर ने सोचा कि पहले जांच कर लें। जैसे ही दरवाजा खोला, देखा कि रेस्टोरेंट मालिक दरवाजे पर खड़ा है।